नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती अनुज। अभी की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 से प्रतियोगी छात्रों को काफी उम्मीद थी, क्योंकि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन लंबे समय के बाद जारी किया गया था। जो पदों की संख्या है वह अपेक्षाकृत प्रतियोगी छात्रों की काफी कम है। प्रतियोगी छात्रों ने जितनी अपेक्षा की थी उससे बहुत कम है। प्रतियोगी छात्रों को उम्मीद थी कि 400 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन 337 पदों पर ही नोटिफिकेशन जारी किया गया। सवाल है, क्या अब पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2021 में पदों की संख्या बहुत कम थी और SDM के पद ऐड नहीं थे, जबकि उम्मीद लगाए हुए बैठे थे प्रतियोगी छात्र की पदों की संख्या बढ़ेगी। और हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि 53 पद SDM के बढ़ा दिए गए हैं PCS 2021 में। तो क्या इसी प्रकार से RO ARO 2021 में पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं? तो जो मुझे जानकारी मिली है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेसेल करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जो मुझे जानकारी मिली है कि 45 पदों का रियाचन जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त होने वाला है। ऐसा नहीं है कि 45 ही रहेगा, और भी पद ऐड हो सकते हैं भविष्य में, लेकिन 45 पदों की अपेक्षा हम कर सकते हैं जो वर्तमान की जानकारी है और जो सही जानकारी है। भविष्य में क्या होगा, कितने पद बढ़ेंगे या अलग बात है, क्योंकि पीछे 2021 में भी पद बढ़ सकते हैं जो जानकारियां मिली हैं, लेकिन जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में चिंता हमें नहीं करना है। जो होगा, जिसके बारे में हमें जानकारी है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि 45 पद और ऐड हो सकते हैं। तो 337 प्लस 45, तो आप मान करिए कि 377 पद हो जाएंगे। संभावना है कि 400 प्लस हो जाए या उम्मीद जताई जा रही है। तो आप लोग जमकर तैयारी करें, सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। तो आप लोग केवल तैयारी पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।